गरीबों की मदद करने वाली चुड़ैल। अरे काफी दिन हो गए हैं हमें इस गुफा में पड़ी हुई, चलो आज गांव की सैर करके आते हैं। लेकिन हम एक गांव में जाएंगे कैसे, हम तीनों तो चुड़ैल हैं। अरे चुड़ैल है तो क्या हुआ, हम अपना रूप बदल लेते हैं, रूप बदल कर हम गांव में आराम से घूम पाएंगे। अच्छा ठीक है, हम अपना रूप बदल देते हैं। छाया, काया और माया तीनों चुड़ैल बहनें होती हैं और वो तीनों इंसान का रूप बदलकर गांव में पहुंच जाती हैं। देखो चारों तरफ कितनी खुशहाली ही खुशहाली नजर आ रही है, सभी लोग कितने खुश हैं। हाँ हाँ, लेकिन देखो उस मंदिर पर कितने गरीब लोग रो रहे हैं, आखिर वो सब रो क्यों रहे हैं? हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर वो लोग रो क्यों रहे हैं। छाया, काया और माया तीनों मंदिर के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां वो गांव के गरीब लोगों को भूख से रोता हुआ देखती हैं। अरे जरा देखो तो इन्हें, ये सभी तो भूख से तड़प रहे हैं, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। हमारे मरने के बाद कोई इन गरीबों की मदद नहीं करता, अगर इसी तरह ये लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े रहे तो ये लोग बच नहीं पाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हम लोग इनकी मदद कैसे करेंगे? हमें इनके लिए भंडारा करवाना चाहिए ताकि सभी को भरपूर खाना मिल सके। तुम सही कहती हो, भंडारा करवाना ठीक होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे, जरा सोचो तो सही। हमें भंडारा करने के लिए सामान खरीदना होगा और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हम लोग मेहनत करके इन गरीब लोगों के लिए पैसा कमाएंगे और इनके लिए भंडारा भी करवाएंगे। छाया की बात सुनकर वो तीनों गांव के यहाँ वहाँ जाकर काम ढूंढने लगती हैं। तीनों को काम मिल जाता है और वो तीनों अपने काम में लग जाती हैं। सुबह से शाम तक वो तीनों चुड़ैल अपनी भीष बदल कर गाँव में काम करती रहती हैं और शाम होते ही जैसे ही उन्हें पैसे मिलते हैं वो तीनों उन पैसों से खाने का सामान लाकर भंडारा करवाना शुरू कर देती हैं। भंडारा इतना होना चाहिए कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना जा सके। चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। चलो मैं गरीब लोगों के बैठने का बंदोबस्त करती हूँ। माया जमीन पर कई सारी चटाई बिछा देती है, जिसके बाद काया एक एक करके गरीब लोगों को वहाँ बुलाकर बिठाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों छाया के साथ मिलकर उन सभी गरीब लोगों को भंडारा खिलाना शुरू कर देती है। एक एक करके सभी गरीब लोग वहाँ बैठ कर खाना खाने लगते हैं और जाते हुए उन तीनों चुड़ैलों को दुआएं देने लगते हैं। अरे भगवान तुम तीनों का भला करे, तुमने इतने भूखे लोगों की मदद की है, भगवान तुम्हारा भी भला करेगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो हमें आते जाते देखते हैं, लेकिन पहली बार किसी के अंदर इतनी इंसानियत देखी। भगवान करे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए। गरीब लोगों की मदद करके कितना आनंद मिलता है, लेकिन ये गांव वाले इन गरीब लोगों की सहायता क्यों नहीं करते? अरे तुम नहीं जानती कि ये गांव वाले कितने मतलबी हैं। किसी मरते हुए इंसान को नहीं बचा सकते तो इन भूखे गरीब लोगों की क्या सहायता करेंगे? हो उस दिन जब हम तीनों बाजार से गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाने के लिए सामान लेकर आ रहे थे, उस वक्त अचानक से सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया। हाँ हाँ, और उस ट्रक से हम तीनों बहनों की टक्कर हो गई, हम तीनों वहीं तड़प तड़प कर मर गईं। लेकिन इन गांव वालों ने हमारी मदद नहीं की, अगर उस दिन इन गांव वालों ने हमारी मदद की होती तो शायद हम तीनों बहनें बच जाती। हमारे मरने के बाद हमारे माता पिता भी अकेले रह गए। काफी समय से मैंने माता पिता को नहीं देखा है, चलो बहनों चलकर माता पिता को भी देख कर आते हैं। तीनों चुड़ैल अपने माता पिता के घर पहुंच जाती हैं, जहां उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता दुर्योधन बीमारी में बिस्तर पर पड़े होते हैं। अरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ हाँ, लगता है हमारे गुजरने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, देखो तो कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उन्हें। काया, छाया और माया तीनों बहनें अपने माता पिता को इस हालत में देखकर बहुत मायूस हो जाती हैं,
जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही गांव में मेहनत करके पैसे कमाती हैं और उन पैसों से सबसे पहले वो गरीब लोगों के लिए भंडारा करवाती हैं और बचे हुए पैसों से अपने माता पिता के लिए खाना लेकर जाकर उनके घर के आगे रख देती हैं और दरवाजा बजाकर वहां से चली जाती हैं। जैसे उनकी माँ सुमित्रा दरवाजा खोलती है, उसे घर के आगे खाना दिखाई देता है। अरे इतनी रात के समय यहाँ खाना किसने रखा होगा, लगता है किसी अपने ने हमारी मदद की है। सुमित्रा खाना उठाकर अंदर ले जाती है और अपने पति दुर्योधन के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अपने माता पिता को खाना खाते हुए देख वो तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही हर रोज वो सुबह से शाम तक अपने चुड़ैल के रूप को बदलकर इंसानी रूप में गांव के अंदर मेहनत करती हैं और शाम को गरीब लोगों के लिए भंडारा करवा कर वहां से वापस अपने चुड़ैल वाले वेश में आकर जंगल पहुंच जाती हैं। ऐसे ही काफी दिन तक चलता रहता है और एक दिन वो तीनों भंडारा करवा ही रही होती हैं कि तभी उनके पास एक गोवर्धन नाम का आदमी आता है और उनसे कहता है, अरे तुम तीनों सुबह से शाम तक यहाँ काम करती हो और जो पैसा कमाती हो उसे भंडारा करवाने में खत्म कर देती हो, आखिर तुम्हें इन गरीब लोगों से इतनी ममता क्यों है? क्योंकि गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। इन गरीब लोगों के पास कोई सहारा नहीं है। शाम होते होते ये बस इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आए और यहाँ उन्हें खाना खिला कर चले जाए। जब हम कमा सकते हैं तो इन गरीब लोगों को अपने कमाए हुए हिस्से से खिला भी सकते हैं। इस पूरी दुनिया में मैंने पहली बार किसी का इतना बड़ा दिल देखा है। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। तभी अचानक छाया अपनी दोनों बहनों से कहती है, अरे जरा घड़ी में टाइम देखो, अगर हमने और देर की तो सच सामने आ जाएगा, जल्दी चलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं। उन तीनों को इस प्रकार भागते हुए देख गोवर्धन उनके पीछे पीछे चुपके से जाने लगता है। देखते ही देखते वो तीनों जंगल में पहुँचते पहुँचते चुड़ैल बन जाती हैं। ये सब गोवर्धन दूर खड़ा देख रहा होता है। ए ऊपर वाले, ये कैसी तेरी लीला है? यहाँ तो जिंदा लोगों के अंदर इतनी इंसानियत नहीं है जितनी इन मरी हुई चुड़ैलों के अंदर है। भला ये चुड़ैल किस मिट्टी से बनी है जो ये मरने के बाद भी इन गरीब बेसहारा लोगों की मदद कर रही हैं? उन चुड़ैलों को देखकर गोवर्धन बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो उन चुड़ैलों को आपस में बात करता हुआ सुनता है। आज तो हम लोग बाल बाल बच गए, अगर उस आदमी ने हमें हमारे असली रूप में देख लिया होता तो शायद वो हमारा भांडा फोड़ देता। शुक्र मनाओ कि सब कुछ संभल गया, अगली बार समय का ध्यान रखना, नहीं तो हम अपने माता पिता की कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम सही कहती हो, मदद करना भी कितना मुश्किल काम है। काश हम लोग जिंदा होते तो हमें इस बात का डर नहीं होता कि कोई हमें हमारे असली रूप में देख लेगा। ये सब सुनने के बाद गोवर्धन उसी समय उनके सामने आता है और उनसे कहता है, अरे तुम तीनों बहुत नेक दिल हो, मैंने तुम्हारे जैसे फरिश्ते अभी तक नहीं देखे। गोवर्धन को देखकर भी अचानक से डर जाती हैं और घबराते हुए कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो तुमसे ही बचकर भाग रहे थे। लेकिन तुमने तो हमें ढूंढ लिया और तुम्हें हमारी हकीकत का पता भी चल गया। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, देखो हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, हम बस लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे तो इस बात का बहुत नाज है कि तुम जैसी चुड़ैल मरने के बाद भी लोगों की इतनी मदद कर रही हैं। अरे आज के जमाने के इंसानों के ऊपर तो लानत है जो इंसान होकर भी इंसानियत नहीं निभा सकते। गोवर्धन का ये बर्ताव देखकर वो तीनों चुड़ैलें शांत होने लगती हैं। गोवर्धन उन तीनों से कहता है, अरे तुम जो कर रही हो उसे ऐसे ही करते रहो, भगवान कभी न कभी तो तुम्हें इसका फल जरूर देगा। आज से मैं भी तुम्हारी इसमें सहायता करूंगा और गरीब लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगा। उस दिन के बाद से गोवर्धन उन तीनों चुड़ैल की मदद करना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक दिन उन तीनों चुड़ैलों की अच्छाइयां देखकर एक देवता उन तीनों के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम तीनों चुड़ैल होकर भी बहुत अच्छी हो, तुमने अपने स्वभाव को हमेशा अच्छा ही बनाए रखा, इसलिए मैं तुम्हें आज से अमर करता हूँ। अब तुम कभी चुड़ैल के रूप में नहीं आओगी।
अपने अमर होने पर उन तीनों को बहुत खुशी मिलती है और वो तीनों आपस में एक दूसरे को गले से लगाने लगती हैं। देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद से छाया, काया और माया तीनों बहनें गांव के हर एक गरीब की मदद करना शुरू कर देती हैं। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति, मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूं, प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम पांच रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश है। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी, हम पांचों रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी पांचों पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश पांचों रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ पांचों रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम पांचों में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। पांचों रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी पांचों रानियों को खिलाना। ईश्वर इनके कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद पांचों रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो पांचों हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी पांचों रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम पांचों ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी पांचों रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर पांचों रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं, काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। पांचों रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूमकर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं, तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ पांचों रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थी। पांचों को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा पांचों रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती है।
राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद, अपराजिता, साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं हम पांचों रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। पांचों रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया? उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है, जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है, जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी न मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी 4थी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोक कर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5ों रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है, मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें माँ बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही, भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है, ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है, लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5ों इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो, जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पलछिन में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5ों जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं। नीरजा अपने 2 बच्चों चिंटू गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गाँव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है, मुझ पर दया करना। नीरजा अपने 2 बच्चों को लेकर खेत पर आती है, जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंक कर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था, इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है। बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। 3ों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है।
दीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ, जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपने खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ, ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है, सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी, अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें, इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं, बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो भैया, चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो, मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ, कई दिन की भूखी हूँ, कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया। अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदल कर कहती है, नीरजा मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है, जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदल कर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है, तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदल कर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती है। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पल भर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भर कर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ, ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो, किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया। ये जादू ऐसे नहीं हुआ है, ये एक जादुई भुट्टा मशीन है, जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदल कर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिसे जल भुनकर धीनू कहता है, अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया, और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे, बच्चों मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा।
इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांदकर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहाँ है वो सोने का चिराग जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछ कर देखता हूँ। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, शाइनी की बर्फी खाएगा बेटा। धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं। जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा जिसके बाद इस पूरे गाँव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे। वो कई बार ऐसा करता है मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर ये भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे रे 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 रे, बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टों की मार। अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है। जादुई आइसक्रीम का पेड़। दूर दराज ढोलकपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था जहां के रहने वाले निवासी एक दूजे के प्रति अच्छा रुझान रखते थे। गांव का प्रधान था चिंटू पांडे जो गरीब तबके के लोगों को अपने पैरों के तलवे के नीचे रौंदने का काम किया करता था। सांझ का समय हो चला था, सभी के बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी एक आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम का ठेला लिए गांव के मैदान से गुजरते हुए कहता है, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम वाला, आओ नन्हे मुन्ने बच्चों, उठाओ बर्फ से बने आइसक्रीम का भरपूर आनंद, आइसक्रीम आइसक्रीम। गांव के गरीबों के बच्चों के मन में आइसक्रीम खाने की आस साफ झलक रही थी मगर हाथ में पैसे नहीं थे। तभी चिंटू पांडे वहां आकर कहता है, अरे वो आइसक्रीम वाले, जरा जल्दी से हमारे शहजादे को आइसक्रीम तो खिला। अरे तू देरी क्यों साध रहा है, इन गरीब के पास आइसक्रीम खरीदने का दाम नहीं जो भिखारी अपने इन पिल्लों को आइसक्रीम दिला सके। बेटा कौन सी आइसक्रीम खाओगे, चोकोबार, वेनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर ये काजू रबड़ी की बनी कुल्फी? मेरे पास सब तरह की आइसक्रीम है, मुझको ये सारी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम वाला चिंटू पांडे के बेटे के हाथों में सभी तरह की आइसक्रीम थमा देता है। उसे यूं आइसक्रीम खाता देख सामने खड़ा रूप और मंटू नाम के दो नन्हे दोस्तों का जोड़ा कहता है, मंटू मुझे तो ये काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है मगर मैं जब भी माँ बाबूजी से आइसक्रीम खरीदने को कहता हूँ तो न जाने क्यों वो मेरी बात टाल देते हैं। एक तो आइसक्रीम गर्मियों में ही खाने को मिलती है, उसमें भी हमको कोई आइसक्रीम नहीं दिलाता। एक इस लकी की किस्मत है जिसके पास एक साथ इतनी सारी आइसक्रीम है, और एक हमारे हाथ जो एकदम छूछे हैं। अले ले 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 ले। मंटू और रूप को आइसक्रीम खानी है। हाँ हमारा भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, क्या आप हमें आइसक्रीम दिलाएंगे? हाँ क्यों नहीं, ये देखो जमीन पर कितनी सारी आइसक्रीम टपक गई है, इसे ही जीभ लगाकर चाट लो। उसके आते ही नन्हे बच्चे कहते हैं, रूप कितना भला होता ना अगर आइसक्रीम भी पेड़ों पर फल के जैसी उगती तो हम बिना पैसे के ही उसे तोड़कर खा लेते। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपने घरों की ओर चल देते हैं। तभी गांव के प्रांगण के बीच खड़े पुराने वृक्ष के भीतर से वृक्ष देवता बाहर आकर कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता मानव, आपकी कलम की स्याह ने
कैसा क्रूर प्रधान इस गांव पर नियुक्त किया है, जिसे बालकों के मनसा का कोई अनुभव नहीं। एक आइसक्रीम की खातिर कितनी कुढ़न थी इन बच्चों के भीतर। ये बच्चे बालकपन में मुझसे आइसक्रीम के पेड़ों की मांग कर रहे हैं, इसलिए अब मुझको ये करना ही होगा। वृक्षदेव नन्हे रूप के घर के आगे अपनी जादुई शक्ति के प्रभाव से एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाकर अपने पेड़ में समा जाते हैं। सवेरे रूप आंख मलते हुए घर की चौखट पर आता है तो वो अनेकों रंग बिरंगी आइसक्रीम से लदा पेड़ देखकर दंग रह जाता है और माँ को पुकारते हुए कहता है, आइसक्रीम का पेड़, माँ जल्दी आओ, माँ देखो हमारे घर के द्वार पर आइसक्रीम का पेड़ लगा हुआ है। रूप की माँ मालती घर के भीतर से दौड़कर जैसे ही बाहर आती है वो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर हक्की बक्की रह जाती है। ये कैसा जादू है, भला आइसक्रीम का पेड़ कैसे उग सकता है, ये सच है या एक सपना। मालती और रूप आइसक्रीम के पेड़ के पास आकर उसे एक टक निहारने लगते हैं। माँ जल्दी से मुझे एक आइसक्रीम तोड़ के दो ना, लालच के मारे मेरी जीभ लपलपा रही है। मालती पेड़ की डाल से एक आइसक्रीम तोड़कर अपने बेटे रूप को खाने को देती है, तभी उस खाली जगह पर फिर एक आइसक्रीम उगाती है। अरे ये तो सचमुच में एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ है, गांव में रहने वाले सभी गरीबों की दशा एक समान है, सभी के बच्चे आइसक्रीम खाने को तरसते हैं। आज जादुई आइसक्रीम के पेड़ से उन सभी की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मालती गांव के बीचों बीच खड़ी होकर थाली बजाते हुए कहती है, सुनो 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 गांव वालों, हमारे गांव के जमीन पर जादुई आइसक्रीम का पेड़ उगाया है, सभी अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के पास आ जाओ। सभी मालती के द्वार पर लगे घने जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर अचंभित रह जाते हैं। तभी भोला मंटू आइसक्रीम खाने का रुझान दिखाकर कहता है, मालती चाची मुझे आइसक्रीम की डाल पर उगी चोकोबार और साथ में मैंगो आइसक्रीम भी दे दीजिए। हाँ मंटू, इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आज तुम सब जी भर कर आइसक्रीम खाओगे। बच्चे जादुई आइसक्रीम के पेड़ पर लगी आइसक्रीम को चाव से खाने लगते हैं। जादुई आइसक्रीम के पेड़ के चलते मानो सभी बच्चों के मन चहक उठते हैं। समय यूं ही गुजरता जाता है, मगर जैसे ही इस बात की खबर चिंटू पांडे के कानों में पड़ती है वो कहता है, अरे कैसे हो तुम सभी, किसी चीज की कोई कमी घटी तो नहीं है ना? अरे क्या बात है, एकाएक हमारे गांव के प्रधान चिंटू पांडे के सुर कैसे बदल गए? देखो मुझे घुमा फिराकर बात करनी बिल्कुल नहीं आती, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को मेरे हाथों बेचने का कितना दाम चाहती हो तुम मालती? मैं जानती थी कि तुम सौदेबाजी के लिए ही आओगे, मगर इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ में हम गरीबों के बच्चों की खुशियां सिमटी हैं। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है। इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ की तरह ठंडे दिमाग से सोच लो, इसका हर जाना तुम तमाम गांव वालों को भारी पड़ सकता है। आज इस घड़ी मैं तुम सभी से अपने खेत खलियान से लेकर ईंट की भट्टी तक का सारा काम छीनता हूँ। चिंटू अपनी खोखली धमकी देकर वहां से चल देता है, जिसके बाद सीबू कहता है, अरे तूने क्या किया मालती, अरे इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से क्या हमारे बच्चे आइसक्रीम खाकर जिंदा रहेंगे, हमारा रोजगार तो छिन गया। रोजगार छीना नहीं, बल्कि रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। देखो हमारे गांव के आसपास सैकड़ों गांव बसे हैं, मगर ये जादुई आइसक्रीम का पेड़ केवल हमारे गांव में उगा है। मौसम और दस्तूर दोनों हैं, इस गर्मी के महीने में हम सभी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचकर खूब कमाई कर सकते हैं। जादुई आइसक्रीम की बिक्री, ये तो एकदम सुनहरा व्यापार होगा। सभी जन मिलकर जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़ते हैं। तभी एक बार फिर जादुई पेड़ों की खाली डाल आइसक्रीम से लबालब भर जाती है। शायद इस जादुई आइसक्रीम के बीज इससे भी किफायती हैं। एक ही झटके में खाली डाल पर आइसक्रीम से लद गई। गांव के हर एक जन हर दिन जादुई आइसक्रीम के पेड़ से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बेचा करते थे, जिसे उन्हें खूब आमदनी होने लगी थी। सभी के कच्चे मकान पक्के घरों में ढल चुके थे, जिसकी खुशी में मालती कहती है, गांव वालों आज हम सभी के कच्चे घर की छावनी पक्की मकान की नींव में ढल गई है, जश्न तो बनता है, आज हम भी आइसक्रीम खाएंगे। सभी जन जादुई पेड़ पर उगी आइसक्रीम में से अपनी पसंद की आइसक्रीम का चयन करके बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। मालती पूरा गाँव आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहा है, फिर तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? शिबू मुझे आइसक्रीम में मटका कुल्फी के सिवा कोई भी दूजी आइसक्रीम नहीं भाती, काश कि इस जादुई पेड़ पर मटका कुल्फी आइसक्रीम भी उगाती। मालती के ये शब्द कहते ही जादुई आइसक्रीम के पेड़ की जड़ से निकल रही चमक शाखा से लेकर तने तक उसे अपने लौ में समा लेती है, जिसके बाद जादुई आइसक्रीम के पेड़ की हर एक डाल पर मटका कुल्फी उग जाती है।
अरे ये लो मालती, तुम्हारे मन की इच्छा भी इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ ने पूरी कर दी। इस जादुई आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम अमृत मधु के जैसा है। तभी हमारे बाल गोपाल इस जादुई आइसक्रीम के पेड़ से चिपटे रहते हैं। आज तो हमारी भी जीभ को इस जादुई आइसक्रीम के तलब लग गई। अरे भले हम 55 की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं, मगर दिल तो बच्चा है जी। ये सुनकर सभी ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं और सभी साथ मिलकर जादुई आइसक्रीम का स्वाद चखते हैं। ये कहानी है पूर्णिया में रहने वाली भागमनी देवी और उसकी 5 बहुओं की। भागमनी ने 7 साल पहले अपने 5 बेटे की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कराई थी, मगर दुर्भाग्यवश 5 की ही कोख अब तक सुनी थी। पड़ोस में रहने वाली रमिला उसके घर में दस्तक देती है। अरे भागमनी कहाँ हो, भीतर आ जा रमिला। वो झट से भीतर घुस आती है। ये ले मुंह मीठा कर, क्या बात है, आज तो तू बड़ा चहक रही है। और ये मिठाई किस खुशी, हा? कुछ खास बात है क्या? अरे एकदम खासम खास बात है, दादी बन गई मैं, खुशी के मारे जिया फूला नहीं समा रहा। खैर तुझको इसका अंदाजा कहाँ, तेरी 5 बहुओं को तो बांझ का दीमक लगा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंक इन बांझ पखेरुओं को, अपने घर से निकाल। फिर अभी तेरे बेटों की उम्र ही क्या है, दूजा ब्याह रचा दियो उनका। बहुओं के प्रति इतना कुछ सुनकर भागमनी रोष में आकर उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार जो अब मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी शब्द का, तो अभी कौन सा मेरी बहुओं की उम्र ढली जा रही है, उन्हीं से मेरे घर का वंश चलेगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। बड़ा गुमान है ना तुझे तेरी इन 5 बाज बहुओं पर, सारी उम्र तेरे कान दादी सुनने को ना तरस गए ना, तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ये पहली दफा नहीं था बहुओं के बांझ होने के चलते कई रिश्तेदारों ने भगमनी से मुंह मोड़ लिया था। कुछ ही दिनों के बाद सावन की पावन बेला दस्तक देती है। भगमनी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की निर्जला उपासना करके मंदिर में जल चढ़ाते हुए मन में कहती है, हे भोले भंडारी, कहते हैं कि इस सावन के महीने में आप अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते। भगवान मेरी 5 बहुओं की कोख पर बंधी बांझ की गठरी को खोल दे प्रभु। भागमनी बोझिल मन के साथ घर लौटकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसको स्वप्न दर्शन देकर कहते हैं, जागो भागमनी। प्रभु आप? भागमनी ये मेरे भोग का प्रसाद है, इन 5 लड्डू को तुम अपनी बहुओं को खिला देना, इसे खाते ही तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी और अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो जाते हैं और भागमनी उठकर देखती है तो वही लड्डू उसके बगल में रखा हुआ है। ये उन लड्डुओं को अपने 5 बहुओं में बांटकर कहती है, बहू इन लड्डू को विश्वास के साथ खा लो, देखना शिव के इस पावन मास सावन की तरह तुम 5 की गोद भी जरूर हरी होगी। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के साथ 5 के पैर भारी हो जाते हैं। 5 एक संग अपनी सास को खुशखबरी सुनाती है। सासू माँ आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ सासू माँ, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। ये सुनकर भागमनी देवी की आंखों में मानो समंदर उतर आता है। शुक्रिया मेरी बहुओं, आज तुमने इस सास की आस को इस कुल के दीपक की लौ से उजागर किया है। दूधो नहाओ पूतो फलो। भागमनी बहुओं के गर्भावस्था के शुरुआती महीने से अंतिम पड़ाव तक उनका भरपूर देखभाल करती है और 5 एक साथ गर्भावर्त के 9 महीने में कदम रखती हैं। एक सांझ 5 हॉल में बातें करती हैं। आरती, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुन पाते तो। अरे ये मुमकिन नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हमें सुन नहीं सकता, ना ही वो बोल सकता है। अचानक 5 के गर्भ में पल रहे बच्चे उमड़ घुमड़ कर बोल पड़ते हैं, माँ तुमने मुझे पुकारा, मैं बाहर आऊँ। 5 अपने भीतर पल रहे बच्चों की आवाज सुनकर औचक की रह जाती हैं और भागमनी का हाथ अपने पेट पर धरती हैं। अरे बहू 9वां महीना चल रहा है तुम सबका, इतना उछल कूद मचाना सही नहीं। माँ जी बस एक मिनट, दादी माँ दादी माँ। तुम्हारे गर्भ के बच्चों की बोली थी? हाँ माँ जी, हमारे पेट में पल रहे जादुई बच्चे हमारी बोली सुन सकते हैं। ये क्या, तुम 5 एक ही सुरताल लगाए बैठी हो,
तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे जादुई हैं? हाँ माजी, हाँ माजी। एकाएक भागमनी को शिव के वरदान के अंतिम शब्द याद पड़ते हैं और वो कहती है, तो क्या वो प्रतिफल मेरे बहुओं के बच्चों का जादुई होना था? पांचों बहू एक एक करके अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी करती है, ए मेरे पेट में पल रहे बच्चे, अगर तुम सचमुच जादुई बच्चे हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो, मुझे ढेर सारा सोना दो। उस पल छिन लक्ष्मी के गर्भ के भीतर से एक प्रकाश उजागर होने के साथ घर में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। मजली बहू, अब तू कुछ मांग कर देख। आरती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, क्या मांगू? हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में कबड़ी मची हुई है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की भूख शांत करने के खातिर ढेर सारे मीठे फल दे। आरती के कहते ही घर में अनेकों फलों का ढेर लग जाता है। उसी पल पड़ोसन रमिला रोते पीटते हुए उसके घर में आकर कहती है, अरे भागमती, गजब हो गया, मेरा नन्ना पोता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, मेरे पल्ले एक भी पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। रमिला को यूं रोता बिलखता देख गौरी के मन में दया भाव समा जाता है और वो अपने पेट पर हाथ धर कर कहती है, ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की मांग को पूरा कर मुझे ढेर सारे पैसे दे। एकाएक गौरी के गर्भ से पैसे की बहार बरस जाती है, जिसे देख रमिला दंग रह जाती है। वक्त जाया मत करो रमिला मौसी, इन पैसों को ले जाओ। रमिला झट से उन पैसों को बटोर कर जाने लगती है, तभी भागमनी उसे टोकते हुए कहती है, देख लो रमिला, समय का चक्र आज ऐसा घूमा है कि कल तक तुमने जिन पांच बहुओं को बांझ कहकर दुत्कार दिया था, आज वही तुम्हारे मदद में खड़ी उतरी। रमिला अपने किए पर पछतावा भरा रुझान दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। जब भी घर में कमी घटी दिखाई पड़ती तो भागमनी की प्रेग्नेंट बहुएं जादुई बच्चे के सहारे उसे पूरा कर लिया करती। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख से बिलबिलाता हुआ उनके घर आता है। अरे अरे, कोई है इस घर के भीतर? आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आकर कहती है, जी कहिए। अरे, हफ्तों का भूखा भिखारी हूँ, भूख से अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अनुराधा हाथ मलते हुए मन में कहती है, रसोई घर में तो सब कुछ मांज धोकर धर दिया है, खाना बनाने में देरी लगेगी, अब मेरा जादुई बच्चा ही इनकी भूख को मिटाएगा। वो भिखारी को घर की मेज पर बिठा कर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, ए मेरे जादुई लाल, दिखा दे अपना कमाल, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। अनुराधा के कहते ही उसके पेट से अनगिनत खाना मेज पर सज जाता है, जिसे खाकर भिखारी तृप्त होकर कहता है, अरे भगवान तुम्हारे जादुई बच्चे को दीर्घायु दे। ऐसा बोलते हुए भिखारी चल पड़ता है। एक सवेरे पांचों बहुएं शिव के दर्शन को मंदिर जाती हैं, जहां वीणा आंसुओं में पड़ी होती है। है गौरी पति, और कितना इंतजार करना लिखा है इस बाज के जीवन में, लोगों के ताने भरे शब्द मेरे दिल को छल्ली करते हैं। उसको देख सिया अपनी पुरानी स्मृति में खो जाती है और अपने पेट पर हाथ धर कर कहती है, हे मेरे जादुई बच्चे, अपनी छवि इस भली स्त्री के भीतर समाहित कर दो। सिया की कोख से निकल रही रोशनी वीणा के पेट में समा जाती है, जिसके साथ वो भी गर्भवती हो जाती है। घबराओ नहीं, हम पांचों की कोख के भीतर जादुई बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ईश्वर तुम्हारे जादुई बच्चों को दीर्घायु करे। इसके बाद पांचों बहुएं एक संग घर लौट आती हैं, जिसके साथ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और पांचों जादुई बच्चे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे भागमनी की पांचों बहू आगे भी गरीब दुखियारी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर मदद किया करती थी।